बम ब्लास्ट जो मामला है इसमें अब चारों दोषी तो करार दे दिए गए, लेकिन फैसला अब भी बाकी है, जिसका इंतजार सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इस वक्त कर रही है। तो बता दें कि जयपुर ब्लास्ट मामले के चारों दोषियों को कोर्ट में पेश किया गया है। दोषी तो इन्हें करार दे दिया गया, लेकिन सजा का ऐलान नहीं हुआ था। तो आज कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा, जिसका इंतजार किया जा रहा है। चारों आरोपी कोर्ट में पेश हो चुके हैं, इंतजार है तो सिर्फ सजा का। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कोर्ट में पेश करते हुए भारी संख्या में पुलिस जाब्ता इनके साथ तैनात था। पूरी सुरक्षा के बीच चारों आरोपियों को कोर्ट में ले जाया गया और अब जाकर कोर्ट में पेश हो चुके हैं चारों आरोपी। कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद आ जाएगी फैसले की घड़ी। 8 जगहों पर बम धमाके किए थे, 71 लोगों की जान गई थी, 185 लोग घायल भी हुए। आपको बता दें कि ये जो फैसला है, 11 साल बाद इस मामले में फैसला आ रहा है और अब तक हजारों लोगों की इस मामले में बयान दर्ज हो चुके हैं। अब जाकर इंतजार खत्म और कोर्ट का फैसला आने का इंतजार जो कुछ ही देर में आ जाएगा। चार आरोपी जो दोषी ठहराए गए थे कोर्ट में पेश हो चुके हैं। अब बस इंतजार है कि कोर्ट फैसला सुनाए कि किस तरह की सजा इनके लिए मुकर्रर कर रखी है। तो फिर से आपको बता दें कि जयपुर में जहां 8 जगहों पर 2008 में बम धमाके हुए थे, उस मामले में 4 लोगों को दोषी करार दिया जा चुका है और अब इंतजार है इस मामले में फैसले का कि कोर्ट कौन सी सजा उनके लिए तय करती है। मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सलमान को मिलाकर 4 आरोपी, 8 धमाकों में 71 लोगों की जान इन्होंने ली थी। तो योगेंद्र पंचोल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि चारों आरोपी कोर्ट में तो पेश हो चुके हैं, अब कितना और इंतजार है जब फैसला सुनाएगी कोर्ट और पूरे देश और जयपुर की जनता जिस बात का इंतजार कर रही थी कि आखिर क्या कुछ फैसला इन गुनहगारों के खिलाफ आ सकता है। देखिए, 13 मई 2008 के जो बम ब्लास्ट हुए थे उनके जो आरोपी हैं, जो बुधवार को उनको दोषी करार दे दिया गया था। सजा का ऐलान कुछ देर में होने वाला है। यहां पर जो कोर्ट परिसर है, कैमरामैन से कहूंगा कि आपको विजुअल्स दिखाएं, जो कि कोर्ट परिसर आप देख सकते हैं। यहां से उन आरोपियों को अंदर ले जाया गया था, 3:30 बजे के आसपास उनको अंदर ले जाया गया था। 4 बजे कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, जहां पर जो सजा का जो ऐलान है वो घोषणा होने वाली है 4 बजे बाद। ये माना जा सकता है कि कोर्ट में उनको पेश कर दिया गया है। अजय कुमार शर्मा की जो विशेष कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है उसमें, और यहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं चप्पे चप्पे पर, क्योंकि एक संवेदनशील पूरा मामला है ये कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए। हमारे सहयोगी विवेक शर्मा भी हमारे साथ है। विवेक, आप कई दिनों से इस पूरे मामले को लेकर देखा जा रहा था कि कब इस पर फैसला आएगा, दोषी करार दे दिया गया है चारों आरोपियों को, अब सजा का ऐलान जो अजय कुमार शर्मा है वो करने वाले हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर बाद कोर्ट रूम से कॉल किया जाएगा और उसके बाद जो है चारों दोषियों को कोर्ट रूम ले जाया जाएगा। एटीएस की टीम यहाँ पहले से मौजूद थी, एटीएस और स्थानीय पुलिस के सुरक्षा घेरे में जो है चारों दोषियों को कोर्ट ले जाया जाएगा। उसके बाद जज जो है उन्हें उनका जो जुर्म जो उन पर साबित किया गया है उन्हें उनका दोष सुनाया जाएगा, जिन धाराओं के तहत उन पर चार्ज लगाए गए थे तमाम वो धाराएं दोहराई जाएगी और उसके बाद उनको जो है सजा सुनाई जाएगी। बारी बारी से चार जो आरोपी थे, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सैफुर रहमान, सलमान और राजवी, जो तमाम जो चारों आरोपी थे, इन चारों आरोपियों को उनके गुनाह बताए जाएंगे, उसके बाद उन्हें जो है सजा सुनाई जाएगी। इस पूरे मामले में अब तक जो है कल सजा के बिंदु पर बहस हुई थी और इन पर इन तमाम चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 307, 324, 326, 427, 120 बी, 121 ए, 124 ए और 153 ए के
अलावा जो है विरुद्ध क्रियाकलाप और विस्फोटक अधिनियम के तहत जो है इन्हें दोषी पाया गया। ये माना जा रहा है कि ये तमाम जो इन पर चार्ज लगे हैं इसमें कम से कम 3 साल से लेकर जो है फांसी की सजा तक का प्रावधान है अलग अलग धाराओं में। तो ये जरूर माना जा सकता है कि कोर्ट का रुख, क्योंकि इस पूरे मामले में अब तक जो है 69 लोगों की मौत हुई थी और 185 लोग घायल हुए थे, तो सबसे सख्त अगर सजा देखा जाए तो सजाए मौत का जो है कोर्ट इनको सुना सकता है। लेकिन ये भी माना जा सकता है कि अगर थोड़ी रियायत, क्योंकि काफी युवा थे, तमाम दलीलें जो बचाव पक्ष की ओर से दी गई थी, तो इन्हें इनके गुनाह की सजा जो है आजीवन कारावास में भी दी जा सकती है। तमाम कोर्ट फैसला करेगा आखिर क्या कुछ जो है इनकी सजा मुकर्रर की है। लेकिन ये विवेक, जो बचाव पक्ष है वो अपना पक्ष रख रहा है और जो सरकारी वकील है वो अपना पक्ष, लेकिन आप भी मानते हैं 11.5 साल जो एक सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, कितने लोग अपनी जान खो बैठे, कितने लोग अपने परिवार से बिछड़ गए, कि एक ऐसा भयावह दृश्य जो 11.5 साल पहले हुआ था, कितना समय इसमें गुजर गया, तो एक सोचने विषय। हालांकि विशेष अदालत इसके लिए मुकर्रर की गई थी। बिल्कुल, देखिए घटना को अगर देखें गौर से तो पूरा प्री प्लांट था। 13 मई 2008 का वो दिन था, मंगलवार का दिन था। मंगलवार को जो है हनुमान मंदिरों के बाहर खासी भीड़ रहती है और इसी को जो है अपना मोटिव मानते हुए ज्यादा से ज्यादा लोग हताहत हो, ज्यादा से ज्यादा जनहानि हो, इसी को जो है उद्देश्य बनाते हुए ये धमाके किए गए थे। 8 स्थानों पर बम धमाके किए गए थे, जिसमें चांदपोल हनुमान मंदिर के अलावा सांगनेरी गेट हनुमान मंदिर भी शामिल था। 4 बम धमाके जो है माणक चौक थाना इलाके में हुए थे, 4 कोतवाली थाना इलाके में हुए थे। तमाम जो 8 अलग अलग FIR जो है पूरे मामले को लेकर के दर्ज की गई थी, जो तमाम चारों जो दोषी ठहराया गया, इन्हें 4 मामलों में तो अलग अलग दोषी ठहराया ही गया। इसके अलावा जो है अब अगर बात किया तो मोहम्मद सैफ को माणक चौक थाना इलाके में जो है बम धमाकों का दोषी करार दिया गया है, तो मोहम्मद सरवर आजमी को चांदपोल में जो बम धमाके हुए थे मंदिर के बाहर उसको दोषी पाया गया है, मोहम्मद सलमान को सांगनेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर जो है बम धमाकों का दोषी करार दिया गया। इसके साथ ही सैफुर रहमान को अगर बात की जाए तो उसे फूलों के खंधे में बम धमाकों का दोषी माना गया। इसके अलावा जो तमाम 4 आरोपी उनको 4 अन्य बम धमाकों में जो है 120B के तहत दोषी करार दिया गया। इसके साथ ही एक और आरोपी जो शहबाज हुसैन था उसे जो है कोर्ट ने साक्ष्य संदेह के अब जो है अभाव में बरी कर दिया। अभी जरूर माना जा सकता है कि उसको लेकर के आखिर सरकारी पक्ष जो है वो आगे और अपील कर सकता है, लेकिन 4 जो आरोपी थे जिनको दोषी करार दिया गया उनकी सजा का जो है कुछ देर बाद यहाँ पर कोर्ट ऐलान कर। विवेक, 4 जो आरोपी हैं दोषी हो चुके हैं, सजा के वो दोषी हो चुके हैं, सजा कुछ देर में मिलने वाली है, क्या सजा होगी ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन रियायत की मांग भी उन्होंने की थी कि हमें बख्शा जाए, हमने गुनाह किया है, लेकिन ऐसा भी कुछ मामला सामने आ रहा है, तो क्या उस पर भी कोर्ट कुछ संज्ञान ले सकता है? बिल्कुल, देखिए कल सजा के बिंदु पर जब दोनों पक्षों के बीच बहस हुई थी तो पैकर फारूक जो चारों दोषियों की तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट में रियायत देने की मांग की। उन्होंने यही कहा कि चारों जो जिनको दोषी करार दिया गया है इनके खिलाफ जो है पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, ये युवा थे, एक आरोपी जो इसमें जिसको दोषी करार दिया गया है वो उस वक्त जो है नाबालिग था, इनके अच्छे संभ्रांत परिवारों से इनके संबंध रहे हैं, इनके परिजन है, कोई डॉक्टर है, कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो तमाम वो दुहाए जो कोर्ट में जो है बचाव के लिए दी जाती है, तमाम वो दलीलें बचाव पक्ष की ओर से कल भी रखी गई थी, लेकिन जज ने साफ तौर पर कहा था कि हम जो है फैसले को रिव्यू नहीं करें, फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर रहे हैं, अगर आपको फैसले पर पुनर्विचार करना है तो आगे हाईकोर्ट के लिए आपके जो है दरवाजे खुले हैं, वहां अपील कर सकते हैं, लेकिन यहां जो सजा के बिंदु पर बहस हो रही है और सजा के बिंदु पर बहस के दौरान जो है कोर्ट ने तमाम सरकारी पक्ष की जो दलील थी सभी दलीलें स्वीकार की थी और चारों दोषियों के तमाम जो बचाव की दलील थी उनको खारिज कर दिया था, तो जरूर माना जा सकता है कि कम से कम 3 साल से लेकर जो है जिस तरह की इन पर लगाई गई है आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक का उसमें प्रावधान है, तो सबसे सख्त सजा कोर्ट जो है इसमें सुना सकता है, क्योंकि 69 लोगों की जान गई थी और 185 लोग घायल हुए थे, कई परिवारों को आज तक जो है पूरे मामले को लेकर के न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हाँ, तो वाकई विवेक सही कह रहे हो कि जो जज हैं उनका स्पेशल प्रिविलेज है क्या सजा होगी, लेकिन जो बचाव पक्ष है उसकी ओर से कोर्ट रूम से ये सूचना मिल रही है कि जो रहमान था उसको फांसी सजाए मौत दी गई है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस तरह की सूचना जो है अभी हमारे पास आई है। ये जरूर माना जा सकता है कि ये भी पहले तमाम संभावना जताई जा रही थी, सबसे सख्त सजा जो है कोर्ट इसमें सुना सकता है, तो फांसी की सजा का प्रावधान इसमें था, न्यूनतम 3 साल से लेकर के जिस तरह के चार्ज इन पर फ्रेम किए गए थे, 3 साल, 5 साल, 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक का प्रावधान था, तो जो रहमान सैफुर रहमान है उसको सजाए मौत दी गई है, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। हाँ, तो वाकई विवेक ने जो अपडेट दी है कि जो रहमान है उसे सजाए मौत का फैसला कोर्ट सुना चुका है,
कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट होने वाली है। लेकिन जयपुर बम ब्लास्ट के जो आरोपी हैं, जो कि दोषी करार दिए जा चुके हैं, उनके जो भाग्य का फैसला है कुछ देर में होने वाला है। जो रहमान है उनका फैसला हो चुका है और यहाँ कोर्ट परिसर में सबकी निगाहें टिकी हुई है उन लोगों को वो मैसेज देने की जो हिमाकत उन्होंने 11.5 साल पहले की थी। तो एक ऐसा फैसला जो कि कोर्ट में चल रहा था और विशेष कोर्ट के लिए मुकरर किया गया था। विवेक आपसे जानना चाहेंगे कुछ और अपडेट, अभी कुछ फैसला जो आने वाला है कुछ आ चुका है, बताएं विवेक। जी बिल्कुल, देखिए सैफुर रहमान को जो सजाए मौत की सूचना जो है वो कोर्ट रूम से अभी अभी आई है और ये माना जा रहा है कि चारों को जो धाराएं हमने आपको बताई थी 302, 307, 324, 326, 427 काफी गंभीर धाराएं थी, इसमें 3 साल से लेकर सजाए मौत तक का प्रावधान था। तो सैफुर रहमान को जो है सजाए मौत दी गई और बाकी जो 3 दोषी है उनको भी यह तय माना जा रहा है कि सजाए मौत हो सकती है और जल्द जो है कोर्ट तीनों को भी अपना फैसला सुना सकता है। हाँ, तो वाकई अपडेट विवेक आपने दिया है, जो चारों आरोपी हैं दोषी करार दिए जा चुके हैं और जो जानकार सूत्रों से जो हवाले से कोर्ट परिसर से जो सूचना मिल रही है उनके अनुसार चारों आरोपियों को सजाए मौत का ऐलान हो चुका है। कुछ देर में जो सरकारी वकील है वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन ये अपडेट जन टीवी दे रहा है कि कोर्ट परिसर से जिस तरह से सूत्र बताते हैं कि जो चारों जयपुर बम ब्लास्ट के सीरियल बम ब्लास्ट के जो आरोपी हैं उन्हें सजा का प्रावधान किया गया था और उन्हें सजाए मौत का प्रावधान यानी उनके लिए सजा मुकरर कर दी गई है। एक अपडेट हम दे रहे हैं क्योंकि 11.5 साल पहले जो जख्म जयपुर के बासिंदों को, जयपुर की जो आबोहवा थी, जयपुर में जो शांति थी उसे उसमें खलल, विवेक आपसे अपडेट जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सैफुर रहमान को सजाए मौत दी गई है, फूलों के खंधे में जो है ब्लास्ट करने का आरोप उन पर था। इसके अलावा 3 अन्य जो जिनको दोषी ठहरा करार दिया गया था, मोहम्मद सलमान, सरवर आजमी और सैफ, इन तीनों आरोपियों को जो दोषी करार दिया गया था और इन तीनों दोषियों को जो है उम्र कैद की सजा की अभी अभी खबर जो है कोर्ट रूम से मिल रही है। हालांकि खबर इस तमाम जो सजा है इसकी पुष्टि कोर्ट के आदेश आने के बाद हो सकती है, लेकिन अभी फौरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 3 जो दोषी करार दिए गए थे उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई और सैफुर रहमान जो है उसको सजाए मौत दी गई। हाँ, तो वाकई जयपुर की शांति में जो खलल डालने वाले चारों दोषी हैं उन्हें के लिए सजा मुकरर होने वाली है। एक के लिए सजाए मौत का प्रावधान किया जा चुका है, अजय कुमार शर्मा जो जस्टिस हैं उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि 13 मई 2008 को जयपुर की जो आबोहवा, जयपुर की जो शांति में खलल डाला, जयपुर की सरजमी को जिसने लहूलुहान किया, उन दोषियों को सजा के लिए आज कोर्ट का जो विशेष कोर्ट है उसमें सजा का प्रावधान किया जा रहा है। कुछ देर में स्थिति स्पष्ट होने वाली है। जी योगेन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई सालों के बाद यह फैसला आया है तो क्या आसपास कई सारे लोग मौजूद होते हैं, बहुत सारे लोगों में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि जो अपराधी हैं उन्हें किस तरह की सजा सुनाई जाएगी, तो काफी लोग वहां पर इस वक्त मौजूद होंगे कोर्ट परिसर के बाहर या फिर कहीं पर भी, लोगों का क्या कुछ कहना है। दूसरी बात मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब पुलिस के द्वारा इन चारों अपराधियों को कोर्ट परिसर में लेकर आया गया तो क्या इनके चेहरों पर कोई शिकस्त आपको नजर आई कि इन लोगों ने इस तरीके का अपराध किया था और एक गुनहगार के तौर पर इन्हें लाया जा रहा है, या फिर किसी तरह का डर कि उम्र कैद या फिर सजाए मौत भी उन्हें सुनाई जा सकती है। देखिए, 2 दिन पहले जब जस्टिस अजय कुमार शर्मा ने इन्हें दोषी मान लिया था, कोर्ट ने दोषी मान लिया था, उसके बाद ही उनकी जो चारों आरोपी हैं, चारों दोषी हैं, उनके चेहरे की हवाएं उड़ने लगी थी। आज जब उन्हें कोर्ट परिसर में लाया गया तो बड़े ही कवर्ड तरीके से गाड़ी में लाया गया, पर्दे लगे हुए थे उसमें उनका चेहरा तक नहीं देखा गया। हालांकि यहां पर विजुअल्स कराए गए थे, मीडिया पर्सन को अलाउ किया गया था उनके विजुअल्स बनाने के लिए, लेकिन और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि जो जयपुर में बम ब्लास्ट, जयपुर की शांति में खलल डालने वाले, जयपुर को लहूलुहान करने वाले जो दोषी हैं उन आरोपियों को सजा के लिए जिस तरह से लोगों की अब निगाहें टिकी हुई है कोर्ट के फैसले पर, लेकिन यहां पर सुरक्षात्मक दृष्टि से उन लोगों को यहां पर इकट्ठा होने नहीं दिया गया है। विवेक, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सरवर आजमी जो एक और दोषी था उसे भी सजाए मौत जो है करार दिया गया है, ये सजा सुनाई गई है। हालांकि पुष्टि होना जो है अब कोर्ट के आदेश जब आएंगे, तमाम जो वकील कोर्ट रूम से बाहर आएंगे उसके बाद होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात अब तक जो 4 दोषी करार दिए गए थे, सैफुर रहमान और सरवर आजमी, इन दोनों को जो है सजाए मौत दी गई है, इस तरह की खबर जो है कोर्ट रूम से हमारे पास है। मोहम्मद सरवर आजमी पर जो है चांदपोल हनुमान मंदिर जो है उसके बाहर ब्लास्ट करने का इस पर आरोप था और तमाम चार्ज के लगे थे। इसके अलावा जो है 4 अन्य स्थानों पर जो ब्लास्ट हुए थे उसमें भी 120 बी के तहत जो है इन्हें मुजरिम
करार दिया गया था। इसके अलावा सैफुर रहमान है, फूलों के खंधे में ब्लास्ट का आरोपी था। इसके अलावा 120 बी में जो है अन्य चार धमाकों में भी उसे से अभियुक्त माना गया था। तो तमाम दो जो दोषी करार दिए गए थे सैफुर रहमान और सरवर आजमी, इन दोनों को जो है सजाए मौत दे दी गई है। हालांकि ये पहले से तय माना जा रहा था कि सख्त से सख्त सजा कोर्ट में सुना सकता है और 3 साल से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यु। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।